हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणुधर और आपका मेरी चैनल सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटा सा कर्टन मंकी। ये देखिए, मैंने छोटा सा कर्टन मंकी बनाया है और आशा करूँगी कि आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कर्टन पे लगाया है। आप भी बना सकते हैं मेरी वीडियोज़ को देखकर। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और A4 साइज़ पे प्रिंट निकाल के इसको यूज़ कीजिए। देखिए कितना प्यारा सा बना हुआ है, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कर्टन मंकी बनाना। देखिए, मटेरियल में सबसे पहले तो आपको कटिंग पैटर्न चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए, कटिंग कीजिए और यूज़ कीजिए। उसके बाद फैब्रिक चाहिए, मैं पिंक फर से बना रही हूँ। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, फेल्ट से बना सकते हैं, कारपेट से, वोल्वो से। मेरे पास ये फर है और कलर भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं पिंक कलर ले रही हूँ। ये चाहिए मेरे को कोई 18 सेंटीमीटर के करीब। उसके साथ में मैं ये पीच कलर यूज़ कर रही हूँ, तो ये चाहिए मेरे को कोई 10 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपको पेन, पेंसिल, टेलर चौक मार्क करने के लिए, सीज़र, कैंची कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, आप लोग मशीन से भी सिल सकते हैं। उसके अलावा ये आइज़ नोज चाहिए। देखिए, इस तरह की ये आइज़ है इसकी, टेडी की जो आइज़ आती हैं, और इस तरह की ये मंकी की नोज़ मिलती है, तो ये भी आपको चाहिए। उसके अलावा पॉलीफाइबर फाइबर वूल फिल करने के लिए कोई 100 ग्राम के करीब, और ब्लैक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। तो ये मटेरियल है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मार्किंग करने के लिए सबसे पहले तो हम इस फर को, कपड़े को उल्टा बिछाएंगे। अब उल्टा बिछाने के साथ साथ में हम इसकी फ़र की डायरेक्शन भी देखेंगे। जो फ़र की डायरेक्शन, वैसे तो मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, मैं हर वीडियोज़ में आपको बताती हूँ, तो इसमें भी बता रही हूँ। इस फर की आपको डायरेक्शन चेक करनी है। देखिए, फ़र की डायरेक्शन ये नहीं है, ये फ़र की डायरेक्शन है अपनी तरफ। तो जहाँ आप बैठे हों उसी साइड, जैसे कि मैं इधर बैठी हूँ, तो अपनी साइड में ये फर की जो डायरेक्शन है इसको रखा है मैंने नीचे की तरफ। तो ये जो फर की डायरेक्शन है, ये इस तरह की हो गई है ऐसे। तो इसी तरह से आपके जो ये जो कटिंग्स हैं, इनमें भी हर एक में इस तरह का एरो बना होगा फर की डायरेक्शन के लिए। तो जो आपका ये फर का डायरेक्शन है, उसी हिसाब में आपको ये रखना है और इसका प्रिंट कटिंग करनी है मार्क करके। सबसे पहले तो मैंने देखी, दो अलग कर लिए, पिंक वाले जो काटने हैं वो अलग कर लिए, पीच वाले काटने हैं वो अलग कर लिए। उसके बाद में अब आप इसको रखिए इस तरह से, एक पीस, जैसे इसकी साइड बॉडी है, दो पीसेस काटने हैं तो एक इस तरह से रख के काटेंगे और दूसरे को फिर इस तरह से पलट के आप यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए, मार्किंग हो गई है, अब कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए भी फर में आपको ध्यान रखना है, आपने ये इस तरह से करके पूरा ऐसे नहीं काटना है, इस तरह से करके नहीं काटना है। इसको क्या करना है, आपने सिर्फ ऊपर का कपड़ा काटना है, फर नहीं काटना है। यानी ये जो पीछे का अस्तर लगा है, इसको खाली आपने इसकी नोक से आप इस तरह से कट कीजिए, इस तरह से, ताकि ये जो फर है वो ना कटे। ये जो फर है देखिए, ये नहीं कटा है। अगर नहीं तो इस तरह से आप काटेंगे पूरी, इस तरह से कैंची रख के, तो वो पूरा फर इसका साइड साइड का पूरा कट जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता है फिर। तो ये आपको कटिंग इसकी टिप से करनी पड़ती है, या फिर अगर आपके पास छोटी सीजर हो, या अगर आपके पास वो कटर हो, तो कटर से ईजीली कट जाता है, क्योंकि उससे फर नहीं कटता है। तो अब इनकी कटिंग कर लीजिए। देखिए, अब कटिंग हो चुकी है, चलिए अब हम इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ईयर्स को ज्वाइन करते हैं। अब आपने क्या करना है, ईयर्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये 4 पीसेस काटे हैं, 2 मैंने पिंक में काटे हैं और 2 मैंने इसमें फेल्ट में काटे हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में इस तरह से रखिए और सीधा सीधा पोर्शन, और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। ये वाला पोर्शन आप ओपन छोड़ेंगे, इस तरह से आप इसको सिल लीजिए। देखिए, ईयर्स को जोड़ दिया है। अब हमने लेना है, देखिए ये लोअर फेस है इसका, नीचे वाला फेस, इसमें ये डार्ट है यहाँ पर, इसको आपने आपस में सिलना है। इस तरह से सिलाई लगा दीजिए इसमें, तो ये जो डार्ट है इसको इस तरह से कीजिए और यहाँ सिल लीजिए। उसके बाद में जब ये डार्ट सिल जाएगा, इसके बाद में ये इसका साइड फेस है, इसमें भी ये डार्ट है, देखिए इसको भी आपने आपस में इस तरह से रखिए
और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। ये दो पीसेस काटने थे, ये एक ही पीस कटेगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर डार्ट सिल दिया। डार्ट सिलने के बाद में अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर F4 है, यहाँ F5 है, तो इसी तरह से ये यहाँ पर F4 है, यहाँ F5 है। जब इस डार्ट को सिलेंगे तो आपने यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आपस में इस तरह से सिल लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ लेना है। जो ये डार्ट वाला हिस्सा है ये इस साइड से आएगा, यानी इसको यहाँ पर डार्ट सिल लीजिए और यहाँ से रख के इसको यहाँ तक इस तरह से ये, और ये वाला साइड इस साइड आएगा। तो दोनों साइड की ये साइड फेसेस इसमें सिल लीजिए आप। अब ये देखिए ये साइड में हमने जोड़ दिया है, ये जो साइड फेस का यहाँ से जुड़ना था ये हमने यहाँ जोड़ के और ये वाले डार्ट को भी नीचे बंद कर दिया है। अब इसमें आपने ये फोरहेड लगाना है, तो देखिए फोरहेड यहाँ इस तरह से लगेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका भी सेंटर कर लीजिए निशानी, देखिए मैंने निशान लगाया है, इस पर भी सेंटर का निशान लगाइए। तो सेंटर सेंटर को इकट्ठे रख के, और ये जहाँ तक आता है ये बहुत थोड़ा सा, मतलब ये पूरा यहाँ तक जाएगा क्योंकि ये हमने यहाँ से सिलना है, तो ये पूरा यहाँ तक आप इसको इस तरह से जोड़ दीजिए फोरहेड इस वाले माउथ में। देखिए अब ये भी जुड़ गया फोरहेड। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए अब ये लीजिए, ये बिल्कुल साइड एक्सट्रीम साइड फेस है इसका, ये दो पीसेस काटने थे मैंने, पिंक में काटे हैं। इसमें सबसे पहले आपने इस जगह पे ईयर ज्वाइन करना है, जो हमने ईयर बनाया है ना, तो आपने ईयर को किस तरह से ज्वाइन करना है, देखिए ये जो चीज़ है इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और इसको इस तरह से ऊपर से फोल्ड करके और इसको यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों साइड से आपने करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो एक साइड में ये रखेंगे इस साइड, और जो दूसरा साइड होगा जब इस साइड करेंगे तो ये इस, ये वाला फोल्ड इस साइड आ जाएगा। बस ये आपने ध्यान में रखना है दोनों साइड में एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, तो ये एक साइड ले लेते हैं हम, जैसे ये वाला साइड है तो ये इस तरह से आएगा इसके ऊपर, तो यहाँ रखिए और इसके ऊपर यहाँ इस तरह से, और उसको यहाँ पर पहले पूरी सिलाई लगा दीजिए। इसी तरह से दूसरे साइड में भी आप करेंगे, इसको यहाँ पर लीजिए, इसको उल्टे साइड में करेंगे हम, ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ रख के और इसके ऊपर और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब हमने दोनों साइड के ईयर्स जोड़ दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये ईयर जुड़ गए हैं, तो दोनों जो फेस का साइड फेस है उसमें ईयर जुड़ गया है। अब हम लेंगे ये देखिए, ये बैक हेड है इसका, बैक हेड है, ये पीछे का साइड है, ये फ्रंट साइड है, तो इसमें ये डार्ट है। सबसे पहले तो आपने इस डार्ट को आपस में सिल लेना है, उसके बाद आपने ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपने ये जो फेस है इसका, जो ये वाला पोर्शन है बाहर वाला, एक तो ये कट है अंदर का, एक ये बाहर वाला पोर्शन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से आपस में जोड़ देना है। तो एक साइड, एक फेस इस साइड लगेगा, एक फेस इस साइड लगेगा। तो देखिए ये डार्ट हमने जोड़ दिया है, डार्ट जुड़ने के बाद में आप इसको इस तरह से पकड़िए इस साइड से, और यहाँ तक ये आ जाएगा पूरा, और इसी तरह से ये वाला साइड इधर लगेगा, तो ये वाला साइड आप इधर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये हमने जोड़ दिया है साइड से, सेंटर जो बैक हेड के साथ में। अब आपने क्या करना है, जो हमने ये फेस बनाया था इसका आपने ये सेंटर जो है, ये फोरहेड जो हमने लगाया था इसका, ये जो सेंटर है इसमें आप निशान भी लगा सकते हैं इस तरह से सेंटर का, और सेंटर से लेकर ये यहाँ से इस तरह से आपने जोड़ना शुरू करना है। ये देखिए इस तरह से लेके ये यहाँ तक आ जाएगा पूरा यहाँ तक। अब यहाँ पर आपने क्या करना, जो ये वाला पीस है ना, ये साइड का जो पीस था, ये वाला, तो इसमें आप सीधा सिलाई नहीं लेंगे, इसमें थोड़ी सी कर्व में सिलाई लेंगे। देखिए मैंने थोड़ी सी डॉटेड लाइंस भी बनाई हैं, वो इस तरह से कि जब आप इसको यहाँ से सिलेंगे, देखिए जब आप इसको यहाँ से सिलेंगे इस तरह से आ गया ये यहाँ पर आ गया, और उसके बाद में ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आपको इस तरह से लेना है, ये जो थोड़ा सा कॉर्नर बाहर चला जाएगा उसकी कोई बात नहीं है, तो आपने इस तरह से ये यहाँ से सिलाई इस तरह से लेके यहाँ तक आ जाएगी। थोड़ा सी ये, मतलब आपने ये इस तरह से ऐसे नहीं करना है कि यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ, आप सीधा इस तरह से ले लीजिए, जैसे भी सिलाई आएगी ये यहाँ से, इस यहाँ से होके और इस तरह से कर्व में ये यहाँ तक इस तरह से जोड़ दीजिए साइड से, और इसी तरह से यहाँ पर भी पूरा इस तरह से जोड़ देंगे नीचे तक। ये यहाँ से इस तरह से सिल लिया है,
अब जो ये फेस का जो ये पार्ट था नीचे वाला, ये जो ये वाला फेस का पार्ट था हमारा, ये वाला, इसका जो ये नीचे है इसको यहाँ पर आपने डार्ट बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी नोज़ लगेगी, तो ये जो नीचे वाला हमारा ये इस फेस का ये नीचे का हिस्सा था, इसको इस तरह से पकड़िए और इस डार्ट को यहाँ पर बंद कर दीजिए। इस डार्ट को बंद करने के बाद में आपने यहाँ पर नोज़ लगाएंगे, जो ये डार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है इस जगह पे, ये जो डार्ट बंद करेंगे इस जगह पे हम नोज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर नोज़ लगा दीजिए, और यहाँ पर ये देखिए आईज़ के निशान हैं जो इस वाले इसमें दे रखे हैं, ये देखिए आईज़ बनी है, तो यहाँ पर आईज़ लगा दीजिए। तो इसका फेस रेडी है, उसके बाद हम इसकी बॉडी को रेडी करेंगे। अब देखिए इसका फेस मंकी का रेडी हो गया है, और अब हम इसकी बॉडी को रेडी करते हैं, उसके बाद ये जो फेस है उसके साथ में ज्वाइन करेंगे। अब बॉडी ज्वाइन करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये इसके आर्म्स हैं और ये इसका हैंड है। ये पिंक कलर में काटे हैं मैंने, और ये मैंने पीच में काटा है। तो सबसे पहले तो आपने इस और इसको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर हैंड आर्म के साथ में हैंड को ज्वाइन करना है। तो ये जैसे ये है, इसको ये यहाँ पर इस तरह से पकड़ के और ऐसे सिलाई लगा दीजिए। तो इसी तरह से दोनों आर्म्स इसके रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद में ये इसके लेग्स है, देखिए ये लेग्स है, और ये इसका फुट है, और ये फुट पैड है। तो फुट का जो ये वाला हिस्सा है, ये यू वाला हिस्सा, ये आपने इस वाले हिस्से पे ज्वाइन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन करना है आपने ये। तो ये यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़िए, देखिए जो यो वाला हिस्सा है इस तरह से लेके, और ये लेग पे इस यहाँ पर एक इस यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब इसकी ये हैंड्स जोड़ जोड़ दिए हमने, आर्म्स और हैंड्स को, और ये फुट और लेग को भी जोड़ दिया। मैं इसमें एक बात आपको और बता दूं कि देखिए इसकी बाजू को आप और लंबी कर सकते हैं, वो आपके अपने अकॉर्डिंग है। आपका जितना कर्टन का साइज़ होगा बड़ा, उस हिसाब से आप इसके आर्म्स को, इसकी बाजू को बड़ी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, साइज़ तो यही रहेगा। आप जब इसको कटिंग करेंगे, जब आप इसको रखेंगे इस तरह से कटिंग करने के, जब आप इसको कट करना शुरू करेंगे, मार्क करना शुरू करेंगे, तो आपने इसको मार्क करना है, तो यहाँ की लेंथ आपने बढ़ा देनी है, जो लंबाई है वो यहाँ से बढ़ा देनी है। यानी कि जितना आपको लंबी इसकी बाजू चाहिए उतनी लंबी आप ये बाजू कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, कटिंग बिल्कुल ऐसी रहेगी, सिर्फ यहाँ से आप इसका साइज इस तरह से कटिंग के टाइम पे बढ़ा दीजिएगा, तो आपका ये बाजू और लंबी हो जाएगी। तो वो आप अपने कर्टन के हिसाब से, या जहाँ पर भी आपको ये लगाना है उसके हिसाब से आप इसको लंबा बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब देखिए ये इसकी साइड बॉडी है, और ये इसकी अंडर बॉडी है। अब इसमें हमने ये जो नीचे का हिस्सा है, देखिए पहले तो आप ये डार्ट सिल देना आपस में, बॉडी में जो ये डार्ट है इसको इस तरह से रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। अब ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपने ये अंडर बॉडी इसकी जोड़नी है, इसको इस तरह से आपने ज्वाइन करना है। तो ये आपस में देखिए, ये इसको ध्यान रखिए, ये यहाँ से टेल का हिस्सा है और ये लेग का हिस्सा है, जो ये बड़ा है यहाँ पर लेग लगेगा जहाँ पर ये डार्ट है, और ये टेल का हिस्सा है, यहाँ पर इसकी टेल लगेगी, पूंछ लगेगी। तो अब आपने ये जो जोड़ना कैसे है, जहाँ पर ये डार्ट है वहाँ उस साइड पे ये कॉर्नर का हिस्सा आएगा, ये कोने वाला हिस्सा ये डार्ट के साइड में आएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसको इस तरह से लीजिए और यहाँ पर इस तरह से करके पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें लेग ज्वाइन करेंगे। तो लेग में भी देखिए, यहाँ पर ये डार्ट था, ये भी आपने आपस में जोड़ना है। ये देखिए इसमें हमने नीचे फुट तो जोड़ दिया है, पर यहाँ पर ये डार्ट है, इसको भी इस तरह से फोल्ड करके आप आपस में सिल दीजिएगा। ये अब दोनों जोड़ दिए हैं। अब देखिए इसमें हमने ये, मैंने डार्ट भी बंद कर दिया है, अब इसमें हमने ये लेग ज्वाइन करना है। अब देखिए लेग कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए ये नंबर लिख रखा है 12, और इसी तरह से ये बॉडी पे भी यहाँ पर लिख रखा है 12, और
ये आपने पूरा ये इस तरह से लेग जिसकी जो ज्वाइन होगी बेसिकली इस तरह से ये गोल बनेगा। ये डार्ट भी आपने बंद कर दिया है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, जो ये देखिए यहाँ पर डी लिखा है, ये जो डार्ट वाले हिस्से में मैंने डी लिखा है, ये जो डार्ट वाला हिस्सा इसमें है ये देखिए यहाँ पर डी लिखा है, और इसी तरह से यहाँ पर भी बॉडी के इसमें मैंने डी लिख रखा है। तो आपने क्या करना है, ये 12 से लेकर, ये जो 12 है इस 12 से लेकर आपने इसको इस तरह से ज्वाइन कीजिए। ये देखिए इस तरह से करते हुए ये यहाँ तक इसका जो ये कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है ये यहाँ तक ये चला जाएगा पूरा, ये यहाँ से यानी कि ये जो इसका कोना है, कोने से ये इसका ये वाला हिस्सा यहाँ से करते हुए आपने यहाँ तक जोड़ना है, ये इस बॉडी के यहाँ तक आ जाएगा। तो आपकी लेग जुड़ जाएगी पूरे राउंड में, यानी ये कोने से लेकर आप इस तरह से सिलते हुए और इस 12 तक यहाँ पर इस तरह से सिल दीजिए। इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से में भी आप लेग ज्वाइन कर लीजिए। अब ये यहाँ से हमने लेग जोड़ दिया है, यहाँ तक आ गया हमारा। अब आपने क्या करना है, जो ये बाकी का हिस्सा है इसको देखिए लेग को इस तरह से हम मोड़ देते हैं, और जो ये वाले दो हिस्से हैं इनको आपने इस तरह से आपस में ज्वाइन करना है, ये वाले हिस्से। तो ये जो दो हिस्से हैं ये देखिए ये इस तरह से, ये जो यू वाले हिस्से हैं इनको इस तरह से ज्वाइन कीजिए, और यहाँ से चलते हुए ये पूरा जो ये ट्रायंगल वाला हिस्सा है ये देखिए ये पूरा आपका यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक ऊपर तक 8 लिखा है, 8 लिखा है, ये 12 तक आ गया इस तरह से। तो आपने ये पूरा यहाँ से लेकर इस तरह से ज्वाइन करना शुरू कीजिए इसको, देखिए पूरा साइड में फर को थोड़ा अंदर करते हुए यहाँ से, और ये जो पूरा 8 वाला हिस्सा है ये यहाँ पर आ जाएगा देखिए इस तरह से। तो आपने इस तरह से ये 8 के साथ में इसको पूरा इस तरह से रख के यहाँ से सिलाई लगाइए, और यहाँ से करते हुए ये पूरा इस तरह से लेंथ में पूरी सिलाई आ जाएगी। तो दोनों साइड के बॉडी में आप ये सिलाई लगा दीजिए, तो ये लेग आपके जुड़ जाएंगे। उसके बाद में हमने इस लेग में जो ये नीचे का हिस्सा खुला है इसमें हमने ये फुट पैड ज्वाइन करने हैं, उसमें फिर हम ये फुट पैड ज्वाइन करेंगे नीचे इस तरह से। अब इसमें ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें आपने ये फुट पैड लगाना है। तो ये जो कोने वाला हिस्सा है ये पीछे की तरफ जाएगा, और इस तरह से राउंड में आप इसको ये देखिए ऐसे करके ये फुट पैड सिल दीजिए। आप फुट पैड भी लग गया है। अब हम इस पे ये जो ये वाला हिस्सा है इसमें अब हमने इसकी आर्म्स लगानी है, बाजू लगानी है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो साइड वाले हिस्से है इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि ये बाद में हमने इस तरह से आपस में जोड़ना है। तो जितना ये राउंड वाला हिस्सा है उसमें ही लगाना है, ये वाला हिस्सा आपने बाद में इसको बाद में हम इस तरह से जोड़ेंगे, पहले हम इसमें राउंड वाले हिस्से में लगा देंगे। तो अब देखिए ये वाला जो साइड बॉडी का हिस्सा है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपकी जो ये बाजू है इसमें भी देखिए एक थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है, एक छोटा। जो छोटा हिस्सा है वो अंडर बाजू का है, मतलब वो नीचे वाली साइड जाएगा, और जो बड़ा वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह से ये बाजू लगेगी इसमें। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड में ये ज्वाइन कर लेना है, देखिए इस तरह से करके इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी तरह से दोनों आप बाजू इसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए ये बाजू इधर से इधर जोड़ दी है, अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए देखिए इस तरह से, और यहाँ से आप सिलाई शुरू कीजिए, यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरह से सिल के, और यहाँ पर, और जो ये इसका ये वाला हिस्सा है ये भी साथ में फिर इस तरह से जो आपस में बॉडी का पार्ट है इस तरह से जोड़ दीजिए। तो यहाँ से लेके आप आएंगे सिलते हुए इस तरह से, और जो यहाँ पर ये बॉडी का ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये इस साइड भी आपका है छोटा सा पीस, उसमें इस तरह से जुड़ जाएगा। अब हैंड्स जोड़ने के बाद में आपने जो ये वाला हिस्सा, तो अब इसका बंद हो गया है, अब ये वाला ओपन हिस्सा है यहाँ पर भी आपने बाजू जोड़ दी है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम टेल जोड़ेंगे इसकी। अब आपने पहले ये वाला जो इसका हिस्सा है इस वाले हिस्से को दोनों बॉडी को आपस में जोड़ लेना है। इतना हिस्सा हम खुला छोड़ेंगे, आप यहाँ से भी खुला छोड़ सकते हैं, आप ऊपर नेक की तरफ से भी खुला छोड़ सकते हैं।
वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ से खुला छोड़िए इसको, ओपन छोड़िए जहाँ से हम इसको सीधा करके फिल करेंगे, या नेक की तरफ से भी आप ओपन छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका ये वाला पोर्शन आपस में सिलेंगे और यहाँ फिर हम इसकी टेल ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ये वाला पोर्शन है इसको देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। अब इसको जोड़ने के बाद में यहाँ पर हमने जोड़ दिया। अब इसको जोड़ने के बाद में इस वाले पोर्शन में अब जो दोनों बॉडी अटैच हो गए, इस वाले पोर्शन में हमने टेल जोड़नी है। तो टेल मैं कटिंग नहीं दूंगी, आप एक रेक्टेंगल पीस काट लीजिए, क्योंकि ये सिंपल सीधा रेक्टेंगल का एक पीस काटा है मैंने। इसकी लंबाई मैंने 32 सेंटीमीटर रखी है, आप बड़ी छोटी जितनी आपकी मर्जी कर सकते हैं, 35, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, जितना आपको लगे कि लंबी पूंछ हो इसकी, टेल हो, उतनी आप रख सकते हैं। विड्थ मैंने इसकी 8 सेंटीमीटर रखी है, विड्थ आप 8 ही रखिएगा इस कटिंग के हिसाब से, और लंबाई आप अपने हिसाब से जितनी आपने रखनी है। अब इसको आपने क्या करना है, देखिए इधर से हम इसको ज्वाइन करेंगे इस वाले पोर्शन में, ये जो टेल वाले पोर्शन में, ये पूरा राउंड में दोनों बॉडी को अटैच करते हुए यहां पर ज्वाइन हो जाएगी। देखिए अब ये यहां राउंड में इस तरह से टेल जोड़ दी है, इस तरह से करके। अब इस टेल को आपने यहां से ज्वाइन करना शुरू करना है, यहां से ज्वाइन कीजिए इस तरह से। अब यहाँ आते हुए देखिए ये टेल जब ज्वाइन हो जाएगी, उसके बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जो ये वाला हिस्सा है, उसके बाद इसको आपस में जोड़िए, और यहाँ से जोड़ते हुए ये जो आपने ट्रायंगल यहाँ लगाया था, जो हमने नीचे लगाया, वो देखिए यहाँ से हम जोड़ेंगे इस तरह से जोड़ के, यहाँ यहाँ से जोड़ के, और फिर यहाँ, और ये चीज़ भी आपस में जुड़ जाएगी यहाँ तक। और उसके बाद में देखिए ये यहाँ से ये जो चीज़ है नीचे की, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि इस साइड से ओपन छोड़ेंगे, लेकिन हम इस साइड से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर फ्रंट वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से ना छोड़ के यहाँ से आप नीचे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अंडर बेली अंडर बॉडी का हिस्सा है, तो यहाँ पर मैं छोड़ दूंगी। तो यहाँ तक जोड़ के और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ दीजिए, इतना हिस्सा बीच में छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले वाले बताया कि इधर हम ओपन छोड़ेंगे, पर इधर नहीं छोड़ेंगे, इधर हम पूरा इसको इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे पूरा, ये पूरा हम पूरा सिल देंगे इस तरह से। इसकी जो बैक है ये हमने पूरी सिल देनी है, और अब टेल से जोड़ते हुए हम इसको यहाँ तक जोड़ेंगे, और यहाँ थोड़ा सा हम बीच में छोड़ देंगे, यहाँ तक जोड़ के, और यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ेंगे, बीच का हिस्सा हम थोड़ा सा ओपन छोड़ेंगे। देखिए अब मैंने बैक भी पूरी सिल दी है, और उसके बाद में मैंने ये टेल से लेकर यहाँ तक पूरा सिल दिया, इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया यहाँ तक सिल के, और थोड़ा यहाँ सिल दिया। अब इसमें आप इसका हेड ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये हेड है, जो ये मजल का नीचे का हिस्सा आएगा ये आपको इसमें जोड़ना है, और जो पीछे बैक का आएगा वो जो ये डार्ट है इस तक आना चाहिए पूरा। तो आपने इस तरह से इसको लीजिए, देखिए इस तरह से करके पूरा राउंड में ये जो बैक का है वो पूरा राउंड तक इधर तक आ जाएगा सेंटर में। अब देखिए इस तरह से करके आप पूरा राउंड में ये इसका जो नेक है वो ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद आप इसको यहाँ से सीधा करेंगे, फिर हम इसको फिल करेंगे। देखिए अब इसको मैंने पूरा रेडी हो गया है, अब ये मैंने इसको सीधा कर दिया है हेड जॉइन करके। अब इसकी जो हैंड्स हैं इस पे आप वेलक्रो लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह ये वेलक्रो आता है, ये आपको इधर जॉइन करना है, एक इस हाथ में लगा दीजिए, और जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसको इस हाथ में लगा दीजिए। तो इसको सिंपली आप यहाँ से रख के और इस तरह से सिल लीजिए, मशीन है मशीन से सिल लीजिए, हाथ से सिल लीजिए। उसके बाद में आप इसको स्टफ़ की मतलब भरिए, फिल कीजिए फाइबर वूल से, उसके बाद फिर हम इसकी थोड़ी सी नोज़ की फिनिशिंग और ये ओपनिंग बंद कर देंगे। देखिए अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं। तो सुई में धागा डाल के नीचे से आईज के पास निकालेंगे, और साथ में दूसरी आईज के साथ नीचे उसी जगह पे थोड़ा सा साथ में,
थोड़ा सा इसको खींच के आप बांध दीजिए। देखिए इस तरह से इसकी आईज की फिनिशिंग होगी। अब इसका माउथ बनाते हैं। देखिए नोज की फिनिशिंग होगी, अब इसका माउथ बनाते हैं। तो यहीं से ये ब्लैक थ्रेड मैंने डाला है एम्ब्रॉयडरी वाला, तो ये यहाँ पर निकालेंगे। जो यहाँ पर ये जोड़ था ना, उसी जगह पे मैं ये सुई निकाल रही हूँ। इसके ऊपर नोज के बीच में से ले लीजिए। और यहाँ से ये जो लाइन है उसी लाइन पे ले रही हूँ मैं। देखिए इस लाइन से और इस लाइन तक। और यहाँ पर इसको बांध देंगे हम। तो ये देखिए हमारा कर्टन मंकी बनके बिल्कुल रेडी है। और जो फर में आप थोड़ी बहुत होते हैं जब सिलाई करते हैं तो थोड़ी सी ये सिलाई में बंद हो जाता है इसके जो फर है, उनको आप इस सुई की मदद से या कोई भी आपके पास हो इस तरह की चीज़, तो जहाँ पर सिलाई लगी है वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, तो ये फर जो है बाहर की तरफ निकल आता है। तो देखिए दोस्तों मेरा छोटो सा क्यूट कर्टन मंकी लंबी सी टेल वाला बनके बिल्कुल रेडी है। तो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इसको कर्टन पे लगा के भी देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको कर्टन पे लगाया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरे कर्टन पे लगा हुआ। ये लंबी सी टेल है, ये देखिए बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो इसके हैंड्स हैं आर्म्स हैं वो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना भी आपका कर्टन का हो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये कर्टन पे लग के। तो ये मेरा कर्टन, देखिए कर्टन मंकी बनके बिल्कुल रेडी है। और आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।